तो वीवीए प्रोग्रामिंग में हमें करना चाहते हैं इफ कंडीशंस हम सीखेंगे आज की क्लास में, और इफ कंडीशंस में हमने आपको रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस इस क्लासेस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंडीशंस कैसे अप्लाई की जाती है, कि हाउ कैन अप्लाई द कंडीशंस। तो आपके सामने डेटा है, दिख रहा है मुझे, इसमें क्या करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है उसे 500 देना है। तो जनरली आप इसको एक्सेल में क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे कि इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 देन 500 अदरवाइज जीरो। ये तो इफ के अंदर फॉर्मूला लगा था, बट वीवी के थ्रू कैसे किया जाए, तो उसके लिए डेवलपर टैब में हम आते हैं विजुअल बेसिक में, और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम विंडो सेट कर लेते हैं, और दो विंडो रहेगा तो दिखने में सही रहेगा। मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं इफ अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। तो हमारा यहाँ पे इफ का पहला हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे जो इफ चलना है वो चलना है दो, यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है कि ए टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है तो 500। तो यहाँ सिंपल लिखना है कि रिफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। सिंपल सा एक लाइन। अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ तो अब यहाँ कुछ नहीं आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 होता और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता तो यहाँ पे देखिए 500। पर यहाँ पे दो चीज़ समझ आ रही है कि दो चीज़ यहाँ पे पता करनी है कि ये तो सिर्फ ए टू में आया, मतलब कि इसमें बी टू हो किया, लेकिन मुझे पूरा लेना है 27 तक लेना है। तो इसी चीज़ के लिए हम लगाएंगे लूप, इस लाइन को देंगे लूप के अंदर में कि 4i इक्वल टू चले 2 to 27, और फिर यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट i। अब यहाँ 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा डेटा रो नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा है तो सही रहेगा, 2 हमने दे दिया। अब प्रॉब्लम आता है कि ए टू और बी टू तो फिक्स है, तो यहाँ पे हम इसके साथ आई कंबाइन करेंगे। आई इसके साथ क्या कंबाइन करेंगे, हम आई को कंबाइन करेंगे, राइट। तो अगर मैं इसको एफिट करके यूज करता हूँ स्टेप इन्फो, तो आप देखेंगे एफिट किया तो अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 2 हो गया। अब ए और 2 कम्बाइन हो गया तो ए 2 हो गया, और बी 2 और 2 कम्बाइन हुआ तो बी 2 हो गया, और इसने कंडीशन चेक किया, रिजल्ट डाला, वापस नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये इस बार आई जो है 3 हो गया, अब इसने 3, 4, 5 में देखिए नहीं है कंडीशन तो स्किप कर दिया, तो चलो तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल। तो अगर आपके पास सिंगल कंडीशंस एंड सिंगल रिजल्ट हो तो इस तरह से इफ लगाया जाता है। लेकिन मेरे पास सिंगल कंडीशन तो सिंगल है पर रिजल्ट जो है बोथ है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो लेस देन 50 है उस पर मैं यहाँ पे 100 का देना चाहता हूँ, लेस देन 50। तो उस केस में हम कंडीशन तो सेम रखेंगे यहाँ पे, बट मैं तोड़ के यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ पे देंगे एल्स, और फिर यहाँ पे देंगे 500 की जगह पे 100, और फिर यहाँ पे देंगे एंड। अब बोले सर ऊपर तो आपने एक लाइन में लगा दिया एंड इफ और का चक्कर था इतना, नीचे इसका चक्कर क्यों हुआ? इसका चक्कर इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक कंडीशंस पे 2 रिजल्ट है। इसमें क्या था कि सिंगल रिजल्ट, भाई ग्रेटर देन 50 है तो 2 अदरवाइज स्किप करो, बट यहाँ पे क्या है कि भाई ग्रेटर देन 50 है तो देना है, अगर नहीं है फिर भी देना है। तो यहाँ एल्स हो गया, एल्स मतलब फॉल्स पार्ट, कि अगर कंडीशन फुलफिल हुआ, ये हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ तो हमें इसको शो करना है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हमको इसको शो करना है। भुवन जी समझ में आया आपको ये चीज? भुवन जी, संग्राम जी, कुछ समझ में आया? जी सर, सर एक्चुअली जो मोर देन 2 कंडीशन से होगा तो मोर देन 2 कंडीशंस अलग चीज होगी, बताता हूँ आपको, और मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने बताया कि जब आपके पास फॉल्स हो तो क्या करेंगे, एल्स कब लगेगा, जब हम फॉल्स यूज करेंगे,
ठीक है भुवन जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक, भुवन जी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं सर? सर म्यूट है, म्यूट करेगा तो मैं यस सुन पाऊंगा। सर, यस सर, यस सर, राइट सर। अब यहां पे मेरे पास मान लीजिए कंडीशन एक है बट रिजल्ट दो है, मुझे यहां पे फॉल्स नहीं है बट मुझे इसमें रिजल्ट जो है दो लगाना है, तो यहां पे सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर हमने यहां पे कर देते हैं टू, और अच्छा ये इफ अंडरस्कोर टू होगा यहां पे और यहां पे होगा थ्री। अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब यहां भी मुझे इसको तोड़ना होगा एंड देन से कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जिसको नंबर दे उसके A1 को कलर कर दे, तो यहां पे हमने लिखा रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया थैंक यू बेटा। डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, ठीक है। अब यहां भी हम जो है एंड इफ का चक्कर रखेंगे, तो आपको एलसी नहीं, आपके पास अगर एक कंडीशंस पे दो ट्रू रिजल्ट्स है तो यहां पे आप इस तरह से ट्रू रिजल्ट्स दे सकते हैं, एक से ज्यादा रिजल्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशंस और कई सारे रिजल्ट दीजिए, इसको प्ले कीजिए तो आप इसमें मेरे को अच्छा दो बार एंड सब आ गया, तो दो कंडीशंस फॉलो हो। आप जैसे बात करते हैं संग्राम जी के बारे में कि मेरे पास दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन इन द सेंस कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 85 295 वाले को 800 मिले और रेस्ट ऑफ को 500 मिले, सो वी हैव द टू कंडीशंस, तो दो कंडीशंस कैसे लगाएंगे? चलिए तो यहाँ पे हमने इधर आता हूँ पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर फोर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हमने कर दिया फोर आई इक्वल टू चले 22 27 और फिर नेक्स्ट आई और यहाँ पे हमने कंडीशन दिया कि इफ। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि जैसे कि ज़्यादा कंडीशन हो तो हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं कि डिम ए कॉमा बी एज ए लॉ, हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिया, तो यहां पे ए इक्वल टू रेंज आई डॉट वैल्यू और वी इक्वल टू ऑल, नहीं बी नहीं आऊंगा माफ कीजिएगा, बी गलत हो रहा है, ए रहने देते हैं, बी की जरूरत। सर एक्सक्यूज मी सर, तो हाँ बोलिए। ये जो आपने यूज किया ना डिम वाला, ये क्या चीज़ है सर? आपने एक वीडियो में भेजा उसमें भी आपने मतलब डिम वाला यूज किया था, डिम एज लॉन्ग और ऐसा करके किया था, उसके बाद फिर फॉर ये सब लूप लगा। ये तो बताया था ना आपको सर, डी इसके वेरिएबल्स होता है, टेम्परेरी सेविंग लोकेशन, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एबीसीडी लेते हैं ना, ऐसे यहां भी लेते हैं, इसकी क्लासेस तो दी थी मैंने आपको। इसकी डिम मिस सर, मैंने मिस कर दिया मुझे लग रहा है सर। हेलो क्या जहाँ बोला? पे आपने जहाँ सिखाया पे था आपने डिम सिखाया था, डिम एज अ डिम एज अ लॉन्ग ये लॉन्ग सब ये सब वेरिएबल वेरिएबल। मुझे आई डोंट नो सर। ओके मैं इसकी इस पे एक काम करता हूँ, इसकी वीडियो अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ, देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सर मैंने भी क्लास नहीं किया था डिम एज अ लॉन्ग। अच्छा फिलहाल फिलहाल इसको समझिए, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ABCD लेते हैं ना, XYZ लेते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे A ले लिया, और डीम मतलब डायमेंशन होता है, लॉन्ग मतलब कि ये लॉन्गेस्ट वैल्यू इस पे डलेगी, नंबर डलेगी लॉन्गेस्ट नंबर ए नाम से, तो क्या होगा कि ए के ऊपर ए स्टोर हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि इफ कंडीशन में हम यहाँ ए को कॉल करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 95, 85 to 80 25 है माफ कीजिएगा 80 to 95, दो कंडीशन हमने इस तरह से लगा समझे, और फिर यहां रेंज बी के साथ
हमने आई को कंबाइन किया और इसकी डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने कर दिया 800, और फिर हमने इसी को एल्स में ले गए और हमने यहाँ पे 500 कर दिया, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल लगाना जरूरी नहीं था, मैं इसको वेरिएबल लगाने लगा बिना लगाए हम डायरेक्ट ए के जगह पे हम इसको लिख सकते थे, बात समझे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब हमारे पास बड़ी बड़ी मतलब कि 3, 4, 5, 6 इस तरह की कंडीशंस होती है तो उसमें इस तरह का रेंज लेने पे आपकी कोड बहुत लंबा बन जाता है। जैसे आइए पे देखिए ना कितना बड़ा हो गया, लेकिन जब इसको वेरिएबल यूज कर लिया तो ये कितना सिंपलाइज हो गया, समझ गए। हेलो राइट सर, तो इसलिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं कि हम वैल्यू को टेम्पररी होल्ड कर देते हैं और जब जरूरत है उसको ले लेते हैं उससे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना एक्स इक्वल टू 100 और जहां जहां हमें 100 की जरूरत है वहां वहां हम एक्स लेके चलते हैं, है सर। तो दो कंडीशन लगा, अब इसी में तीसरा कंडीशन लगाना हो तो एंड अब अपना तीसरा कंडीशन भी लगा सकते हैं, है सर। अब इसमें आता है बारी आती है इसमें एक और जिसमें हम बात करेंगे, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह है और मुझे यहाँ पे डे देना है कि संडे है तो होगा वीक ऑफ, सैटरडे संडे पे वीक ऑफ देना है और रेस्ट ऑफ द वीक डे देना है। तो कैसे करें इसको, इसके लिए हम यहाँ पे एक और लूप लगाते हैं कि इफ 5 नंबर एग्जांपल, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दिया कि 4 आई इक्वल टू चले 1, 2। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि हम यहाँ इससे पहले 27 ले रहे थे तो एक फिक्स रेंज था ना, बट मेरा डेटा छोटे 6 है लेकिन कभी भी चेंज हो सकता है, घट बढ़ सकता है, तो इसको यहाँ ऑटोमेट किया जा सकता है किसकी मदद से, तो रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो। ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली ये जाएगा 65,000 पे, यहाँ से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा और जहाँ कर्सर रुकेगा उसका जो रो नंबर 46 वो लूप को दे देगा। तो लूप को क्या मिल गया, लूप को 46 मिल गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई हम देते हैं, अब यहाँ पे कंडीशंस होंगे, अब कंडीशंस होंगे तो यहाँ भी आप चाहो तो वेरिएबल ले सकते हो क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि ये टेक्स्ट है ABCD है तो स्ट्रिंग लेना चाहिए। तो यहाँ मैं करता हूँ डिम डी एज ए स्ट्रिंग, समझे। तो याद रखिएगा नंबर के लिए लॉन्ग लेते हैं, बड़ा नंबर के लिए लॉन्ग लेते हैं, छोटा नंबर के लिए इंटीजर लेते हैं, और डेसिमल्स के लिए डेसिमल्स लेते हैं, डेसिमल्स के लिए डबल लेते थे। याद रखिएगा छोटा नंबर के लिए इंटीजर, बड़ा नंबर के लिए लॉन्ग, डेसिमल वाली नंबर के लिए डबल और टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां हम देते हैं d इक्वल टू रेंज a के साथ i को कंबाइन किया डॉट वैल्यू, और फिर यहां कंडीशन है कि इफ d इक्वल टू सैटरडे और d इक्वल टू संडे, then range b इसके साथ i dot value equal to week of,
फिर यहाँ हम एल्स में देते हैं वीक डे, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे हम और क्यों लगा, क्योंकि डी पे संडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है, कोई मतलब कि मेरे पास च्वाइसेज है, लेकिन वो सबके सब नहीं होगा, उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, तो दो नहीं हो सकते इसमें, इसलिए हमने और दिया कि भाई सैटरडे मिल जाए या संडे मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो हमारा रिजल्ट दे दे, नहीं मिले तो फिर वीक डे कर दे। मैं इसको रन करता हूँ, राइट सर। तो अभी आपने इफ में इफ के अंदर क्या सीखा, कि इफ के अंदर आपने सीखा कि किस तरीके से आप सिंगल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल रिजल्ट्स आप यूज कर सकते हैं। किसी इसमें डाउट है? अब बात आती है कि इस पे कुछ क्या पढ़े क्या, तो मैं आपको बताता हूँ वीए फंक्शन लिस्ट। एक आर्टिकल है मेरा नहीं, techonthenet.com का मेरा नहीं है, इसमें आप अगर जाते हैं इफ कंडीशंस में लॉजिकल्स करके एक आएगा आपको, इसमें आप इफ देन एल्स पर, ठीक है। इस आर्टिकल में पूरी तरह समझाया हुआ है कि इफ कंडीशन कैसे लगता है, कैसे किस तरह से यूज होता है, कई सारे इसके रिजल्ट दिए हुए हैं, तो इसको स्टडी करेंगे तो आपको इफ जो है बेटर समझ में आएगा। तो ये आर्टिकल मैं आपको भेज रहा हूं सर। ठीक है भुवन जी? यस सर। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, और इससे पहले जो हमने बताए थे आपको डेटा टाइप्स, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देता हूँ। और आपको बोल रहा हूँ, हेलो बोलिए। डी मैच वेरिएबल, डी मैच लॉन्ग वाला जो स्ट्रिंग वाला आपने बोला वो भी भेज दीजिए आप। हाँ वही मैं भेज रहा हूँ। राइट सर। ये इफ वाला कंडीशन हम वर्कबुक में अप्लाई कर सकते हैं? वर्कबुक या वर्कशीट? सर वर्कबुक अप्लाई थोड़ी होता है, वर्कशीट पे अप्लाई होता है ना, रेंज पे अप्लाई होता है ना सर। इफ कंडीशन कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी, एनीथिंग, एनीवेयर। सपोज ऐसा है कि एबीसी तीन फाइल, तीन वर्कबुक है, और हमें देना है कि ए इज ओपन देन बी हैव टू क्लोज। हां कर सकते हैं, या कर सकते हैं। और उसका थोड़ा कोड करा दो एक बार, उसको अपने हिसाब से कीजिए और सैंपल बना के भेजिएगा, तब करूंगा ना मैं, कहां करूंगा। आप देखिए इसके बीच में, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसका रिजल्ट जो है ना, ये जो रिजल्ट यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। अगर ट्रू हुआ तो ये देगा, फॉल्स या तो दे। आपने इसके अंदर क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ क्या दे रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका काम ये है, जस्ट इफ का काम ये है कि इस लॉजिकल को चेक करना, अगर इफ अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला लाइन को रन करेगा, अगर फॉल्स है और एल्स दिया हुआ है तो एल्स वाले लाइन को यूज करेगा, एल्स नहीं दिया है तो यहीं पे इफ को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ कंडीशन में आप क्या देते हैं और इसके अंदर आप क्या देते हैं इससे इफ कोई लेना देना नहीं है, बस फाइनली ध्यान रखिए कि इसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आना चाहिए बस। तो ये वर्कशीट और वर्कबुक में भी हम अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ कहीं भी, बस रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे और कल हम बात करेंगे आपके साथ नेस्टेड इफ फॉर्मूला में। तो मैंने आर्टिकल भेज दिया है, वेरिएबल्स की वीडियो भेज दी है, उसको देख लीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मैं अभी 12 बजे तक जगा हूँ, मुझे कॉल कर सकते हैं।